रोज एंकरिंग करते हैं हम लोग यहाँ बैठ के, रोज मिलते हैं। पता नहीं था आज फोन आएगा कि रोहित आईसीयू में है। सब जाते हैं आईसीयू में, हमारा दोस्त भी गया था, फिर खबर आई कि वो वेंटिलेटर पर है। मैं सुबह से बुलेटिन कर रही थी, डर लग रहा था, प्रेयर भी कर रही थी साथ साथ, पर आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा। लास्ट सैटरडे जब मैं रोहित से मिली थी, रोहित ने मुझे कहा, मैंने उसको कहा सैनिटाइज करके जाना, बोला ये तो होना ही है सबको, जब उसको कोरोना हुआ ही कॉल मी, तू मेरे साथ थी, चेक करा ले। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी ठीक होके आ जाना। इज़्ज़त की 2 मई को तो आ जाऊंगा, अच्छा 29 को आ जाऊंगा, 30 को आ जाऊंगा, मुझे नहीं पता तो उसकी खबर आएगी ऐसे। आप लोग दंगल देखते हैं, यही बैठ के वो दंगल करता था। मैं 2:30 बजे जाती थी, वो मेरा रिलीवर। रोहित तुम आ गए, अच्छा मैं मेकअप उतार लूं, हाँ तू जा, अब मैं आ गया हूँ, हाँ मैं हूँ, तू जा। परिवार में सब साथ रहते थे, बच्चों के बर्थडे साथ मनाते थे हम लोग, कभी नहीं सोचा तुम। कोई खबर आया, आई स्टिल बिलीव, हम इतने फोनों लेते हैं, मैं किसी को भी फोन करूं बोले नहीं वो ठीक है, वो आ जाएगा वापस। रोहित तुम्हारी फैमिली की नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है, मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। यू वर सो गुड टू मी, मेरे इतने प्यारे दोस्त तुम रोहित। चित्रा, चित्रा मैं क्या पूछूं तुमसे, क्या पूछूं चित्रा, अब तो कोई शब्द ही नहीं है पूछने के लिए। बहुत मुश्किल है इस वक्त कुछ भी बता पाना। अब तकरीबन 12 बजे के आसपास ये खबर सामने आती है और तब से हम लोग भगवान से ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे भगवान ये गलत खबर साबित हो जाए। जिस अस्पताल में वो भर्ती थे मैंने तुरंत वहां पे फोन किया उनके पीआरओ को, वो मेरे जानने वाले हैं। मैंने सोचा कि सर आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, रोहित वहां पे भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, अब तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, क्या है सच्चाई। फिर उनकी ओर से बताया गया कि कल रात तक उनकी तबीयत ठीक थी, 10:30-11 बजे तक उनकी वाइफ उनके साथ थी, रात के 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है और फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर बनाए रखते हैं और फिर दिन के 11-12 बजे के बीच इस तरह की खबर सामने आती है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर नवजोत कुछ भी बता पाना क्योंकि कोरोना के इस काल में इस तरह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या कहूँ। उनकी 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं, हम सब ने देखा कि अपनी बेटियों को लेकर रोहित कितना ज्यादा पॉजेसिव, हर पिता अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन उनकी वो तस्वीरें मैं जब देखती थी तब लगता था कि बहुत छोटी बच्चियां हैं उनकी, एक हंसता खेलता परिवार हमेशा। एक फोटोग्राफ आई थी जिसमें लिखा हुआ था मेरे बेस्ट डैडी और केक काटता हुआ पूरा परिवार दिखाई दे रहा है, उनकी 2 बच्चियां उनको प्यार करती हुई दिखाई दे रही है। वो बहुत छोटी हैं, वो एपीजे नोएडा में पढ़ती हैं, मेरे बच्चे के साथ में वो पढ़ती हैं। बहुत मुश्किल है उनके दर्द को बता पाना कि वो क्या सोच रही होंगी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनको तो इतनी समझ भी नहीं है। जो छोटी बच्ची है उसको तो इतनी भी समझ नहीं होगी कि पापा के साथ क्या हो गया। और मैं ही अब जब से उनकी तबीयत बिगड़ी थी, रोज शाम के 5 बजे मैं दंगल करती थी लगातार, हम लोग सोशल मीडिया पर जब उन्होंने लिखा कि 1 हफ्ते हो गए हैं मुझे आइसोलेट हुए और मैं ठीक हो रहा हूं अब धीरे धीरे, हम सब ने प्रार्थना की थी कि बहुत जल्द आप वापस आए और फिर से अपना कार्यक्रम शुरू करें, लेकिन जिंदगी का ये दंगल वो इस तरह से हार जाएंगे इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रोहित की उम्र बहुत कम है और वो इस तरह से, मैं सोच रही हूँ उनके मम्मी पापा, उनका परिवार एक बहुत छोटे से शहर से आके इतना बड़ा नाम कमाना,
एक बहुत सीमित, अगर हम उनका पूरा का पूरा करियर देखें यहाँ पर, तो उन्होंने अपने बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम इस मीडिया इंडस्ट्री में कमाया, उन्होंने बहुतों की आवाज उठाई। और अगर उनके आखिरी कुछ ट्वीट हम यहाँ पर देखें तो उसमें भी वो दूसरों के लिए मदद करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। मैं उनका कुछ आखिरी का ट्वीट है वो जरूर पढ़ना चाहूंगी, जिसको देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। वो आखिरी तक इसी कोशिश में रहे कि उनको बचाया, लोगों को बचाया जा सके। और वो मैं पढ़ती हूँ उनका ट्वीट, नवजोत एक दिन पहले का उनका ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि नाम करुणा श्रीवास्तव, उम्र 39 साल, 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन की अर्जेंट जरूरत है, गणेश हॉस्पिटल कानपुर। और उसके बाद वो तमाम सरकार के अधिकारियों को ट्वीट करते हैं। उसी दिन वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि कैसे कोरोना मरीज को 25 किलोमीटर ले जाने के लिए एम्बुलेंस ने 42,000 रूपए लिए। इस तरह से फिर एक वो लिखते हैं कि रेमडेसिविर के लिए कैसे सीएमओ के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती हुई एक महिला, और उसके बावजूद वो अपने इकलौते बेटे की जान नहीं बचा सकी। वो लगातार अपनी इन बातों के जरिए बताते रहे हैं पत्रकारिता का जो मूल मकसद रहा उसको वो साधते रहे। शाम 5 बजे का शो मतलब रोहित सरदाना, लेकिन अभी जो कुछ भी हम सबके ऊपर गुजर रहा है, यकीन कर पाना नवजोत बहुत मुश्किल है कि रोहित हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन लाइन आप सबसे ज्यादा मुश्किल, बार बार ये लग रहा है कि नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, हमेशा ये लग रहा है।